मैं यही कहने वाली थी कि इतना खूबसूरत मौसम हो और हम नाश्ते की बात ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है भी नहीं। और हफ्ते की शुरुआत अगर हम करें बड़े खूबसूरत और मज़ेदार से नाश्ते से तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो मेरा ख्याल है हम आज देखते हैं कि दानियाल हमें कहां पर लेकर जा रहे हैं नाश्ते के लिए, तो चलिए देखते हैं। लाहौरी नाश्तों की बात और फज्जे के पाए की बात ना हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फज्जा जो है वो एक ब्रांड बन चुका है, ना सिर्फ लाहौर बल्कि इंटरनेशनली लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर फज्जे के पाए जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। हम आपको जरा आज बताते हैं कि इसकी क्या खास बात है, किस तरह से ये पाए जो है वो तैयार किए जाते हैं और क्या क्या चीजें जो है वो इसके अंदर डलती हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो यहाँ पर पाए भी तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मुझे बताएं कितने अरसे से हैं आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे 25 साल से काम कर रहा हूँ। 25 साल से माशाल्लाह यहाँ पे काम कर रहे हैं। वैसे तो फज्जे के पाए को तकरीबन 80 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 80 साल पुरानी दुकान है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताएं कि यहाँ के पाए ना सिर्फ लाहौरियों को बल्कि पूरी दुनिया में बड़े मशहूर है, लोग दूर दूर से आते हैं। बहुत सी मशहूर शख्सियात जो है यहाँ के पाए खा चुकी है। मुझे बताएं क्या खासियत है यहाँ के पाए, क्या क्या डलता है, कितनी देर में बनते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर ये फज्जा साहब की जो रेसिपी है ना उसके मुताबिक तैयार किए जाते हैं। लहसुन और दही का ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें। बहुत मशहूर शख्सियात यहाँ पे आती हैं, सियासतदान, फनकार, लोग सब यहाँ से खा के जाते हैं और तारीफ करते हैं। वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। कितने बजे इसकी तैयारी शुरू हो जाती है? सर ये 24 घंटे की सर्विस हमारे साथ साथ तैयार होते रहते हैं। 5 से 6 घंटे में ये तैयार होते हैं। 5 से 6 घंटे जो हैं वो इसकी तैयारी में लगते हैं और यहाँ पर जो है ना वो पाए तैयार किए जाते हैं। अच्छा कौन से पाए होते हैं ये? ये बकरे के सिरी पाए होते हैं, पाए, खाद्य, जुबान और मगज। सही सही। और ये कितने का प्याला जो है वो मिल रहा है? ये सर प्याला 900 रुपये का, उसमें 2 पीस होते हैं पाए के। ठीक है। एक पाया अगर लेंगे आप वो आपको 450 का मिलेगा। सही है। और ये जो 900 वाला है वो कितने लोग खा लेते हैं? वो एक बंदे खाने वाले पे डिपेंड करता है, ये एक बंदे की सर्विंग होती है। हाफ प्याला पाए बट आ जाए तो उसके लिए तो दो प्याले, एक भी कम है, दो प्याले भी खा सकते हैं, तीन भी खा सकते हैं। और आप अगर हो तो आप कितने खा लेते? मैं तो 4-5 प्याले खा लूंगा। 4-5 प्याले जी रोजाना खा लेते? जी जी भाईजान 3 टाइम खाते हैं। 3 टाइम 4-5 प्याले? जी जी। वाह जी वाह, ये एक अलग ही भाई की सेहत से भी पता लग रहा है कि ये किस तरह दिन में जो है नाश्ते में 3-4 प्याले, दोपहर में 3-4 और रात में 3-4 खा लेते हैं। वाह जी वाह, आपका तो बिल काफी बन जाता होगा। आपको फ्री मिलते हैं? हमें फ्री मिलते हैं। वाह जी वाह, ये फ्री के चक्कर में ज्यादा खाए जाते हैं वरना बंदा इतने पाए कहाँ खाए। चले जी, ये एक लाइटर नोट पे जो है वो चीजें चल रही है। वैरायटी भी होती है। सही है। खमीरी रोटी, सादा रोटी, तिलोमाला कुलचा, ये आपको दिखाते हैं भट्ट साहब। अच्छा, यहाँ पे जब भारतीय वजीर आजम वाजपेयी भी आए थे तो उनको भी यहाँ के पाए खिलाए गए थे। उनको भी उन्होंने स्पेशल डिमांड की थी कि फज्जे के सिरी पाए खाने। अच्छा, उन्होंने डिमांड की? हाँ जी। वाह जी वाह। और कौन कौन आ चुका है यहाँ पे? यहाँ पे ये इंडिया के एक्टर आ चुके हैं, ये इनका नाम है मुराद रजा साहब, रजा मुराद साहब। इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं और भी काफी शख्सियात आई हैं। वाह जी वाह, फज्जे के पाए तो यकीनन हर किसी ने खाए होंगे, अगर नहीं भी खाए होंगे नाम जरूर सुना होगा। और अगर आपने नाम सुना है और अभी तक खाए नहीं है तो भाई आए खाएं। सर्दियों में तो वैसे ही पाए शाये बहुत ज्यादा चलते हैं और यहाँ पे जो है वो फुल तैयारी चल रही है। ये आप देख रहे हैं जी, ये सूप जो है यहाँ पे सूप भी बन रहा है और सारा मेरे लिए अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। और जैसा कि भाई ने बता दिया कि यही 3-4 प्याले खा जाते हैं, तो मैं भी आज कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा खाऊं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने खाए हैं।